जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली है बेनिफिट्स जो CAPF के जो जवान होते हैं, जैसे BSF, CRPF, ITBP, इन जवानों को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, जैसे बैंक लोन, इनकम टैक्स, टोल टैक्स फ्री है या नहीं है, इनके बारे में। साथ ही जैसे ट्रेन फ्लाइट, इनमें और क्या क्या सुविधाएँ होती है, आपको पता हो तो मिलता है ट्रेन का, इसके अलावा क्या क्या सुविधाएँ होती है, इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो, SSC GT या आर्मी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और SSC GT संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, साथ ही मैंने इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, आप पर्सनली अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो उधर मैसेज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि जो बेनिफिट CAPF के जो जवानों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले टोल टैक्स की बात करते हैं, क्योंकि टोल टैक्स के बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि जो CAPF यानी CRPF, BSF, ITBP है, इनमें से किसी में भी जॉब करते हैं, पैरामिलिट्री में जो पुलिस फोर्स है, इनमें किसी में भी अगर काम करते हैं तो क्या उसका टोल टैक्स फ्री होता है। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको इधर एक नोटिस भी दिखा रहा हूँ। इस नोटिस के अनुसार ऑल इंडिया टोल टैक्स फ्री होते हैं। अगर आपका पर्सनल व्हीकल है या आपके व्हीकल में, जैसे आपने हायर किया उस व्हीकल में अगर आप जा रहे हो, तो अगर आप पर्सनल व्हीकल पर तो ये इधर नोटिफिकेशन में जो इधर जो आप देख रहे हो इसको आप अपनी गाड़ी पे लगा सकते हो, उसकी वजह से आपका पूरा टोल टैक्स यानी ऑल इंडिया का कोई भी आपके टोल नहीं लगेगा, बिल्कुल टोल फ्री होता है। जो चाहे BSF में हो, चाहे CRPF, CISF, असम राइफल किसी में हो, अगर आर्मी में हो तो भी आपके ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो दोस्तों बता दूं, वैसे तो सैलरी इनकम टैक्स आपको कटता है, लेकिन हाँ, अगर आप फोर्स में जैसे हम काम करते हैं, कोई भी इंसान जो भी CRPF, BSF किसी में भी काम करता है, वो वापस रिटर्न हो जाता है टैक्स, यानी टैक्स फ्री तो नहीं है, सैलरी टैक्स लगता है, लेकिन आप वापस उसको अप्लाई करके रिटर्न करा सकते हो, यानी आपको जितना कटेगा उतना आपको वापस मिल जाएगा दोस्तों। तो मतलब टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स फ्री भी है साथ में, क्योंकि एक बार आपका टैक्स कटेगा जरूर, लेकिन उसको आप वापस फाइल भर के और जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें, जैसे कि अपने अगर LIC उनके या हम फोर्स में तो उसके, तो वो टैक्स हमको वापस रिटर्न मिल जाता है दोस्तों 2-4 महीनों के अंदर अंदर। तो मतलब वो टैक्स फ्री भी हो जाता है। टोल टैक्स आप बता दिया, टोल टैक्स फ्री, वो टैक्स फ्री है नहीं सैलरी, लेकिन हाँ आप रिटर्न कराते हो तो वापस टैक्स आपको मिल जाता है। इसके बाद में अगर बात करें बैंक लोन, बैंक लोन के बारे में ज़्यादा ही कुछ लड़के हैं पता है, जो भी नया ज्वाइन करने वाला है, परिवार की स्थिति सबकी नॉर्मली होती है, कईयों की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, कईयों की ठीक ठाक होती है, बहुत बढ़िया ठीक वाले मतलब 5-10% ही है, ज़्यादातर 50% में ये लोग आते हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो दोस्तों, उनके लिए बता दूँ कि जो बैंक लोन में फ़ायदे होते हैं, बैंक लोन अगर पहले बता दूँ, अगर आपका मकान आपके नाम है तो आपके नाम ही रहने दीजिए, या आपके माता पिता के नाम है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके भाई भाई के नाम है तो फिर जो होम लोन लेते हो उसमें फिर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। बता दूँ, जैसे पर्सनल लोन अगर कोई प्राइवेट कंपनियों से जो ये ले रहे हैं लोग, कोई भी आपके आस पड़ोस में देखना, उनका जो भी चार्ज लग रहा है पर्सनल लोन का, वो है 15% के आसपास। प्राइवेट कंपनियाँ जो फाइनेंस के रूप में जो लोन देती उनका लगता है 15% के आसपास ब्याज दर, यानी आपको बता दूँ मैं थोड़ा सा डिटेल में कि 12% का 1 रुपया ब्याज होता है, यानी अगर 1,00,000 रुपये और 12% की ब्याज दर चलती है तो महीने का 1,000 रुपये आपका ब्याज के रूप में होगा। तो 15% आप देख सकते हो कितना, 1 रुपये 25 पैसे के आसपास हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर हो तो आपको वही पर्सनल लोन 10.6, और अगर आप 10 लाख से ऊपर लोन लेते हो तो केवल 10% पे आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आपकी सर्विस के जैसे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, ट्रेनिंग टाइम को मिला के ट्रेनिंग, उसके बाद में भी अगर जब से आपकी गवर्नमेंट सैलरी आ रही है आपके 2 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आप बैंक लोन ले सकते हो दोस्तों। और पर्सनल लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हो, लेकिन हाँ जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है वहाँ से लेना बेटर रहेगा। अब बात करें अगर होम लोन की, तो दोस्तों होम लोन में तो आपको पता ही है 7% के आसपास ब्याज दर में मिल जाएगा आपको, और डिपार्टमेंटली कई लोगों को ये लगता है कि डिपार्टमेंट की वजह से भी छूट मिलती है, हाँ मिलती है थोड़ी बहुत, वो एक सत्यापन लगता है, उसी वजह से ब्याज दर में जैसे 10.6 है तो 0.6 हट जाता है, 10 ही रह जाता है, तो उसका एक सत्यापन होता है, वो लिखाना पड़ता है, वो लिख के दे देंगे, कोई भी आपको मना नहीं करते हैं उसके लिए।
तो वो लगा सकते हो और आपको 7% के आसपास होम लोन मिलता है। तो उसमें कंडीशन ये होती है कि जो प्लॉट है तो वो आपके नाम होना चाहिए, अगर आप नया मकान बना रहे हो तो वो प्लॉट आपके नाम होना चाहिए, साथ में उसमें जो मकान बन रहा है तो होम लोन ले रहे हो, मॉर्गेज और दोनों प्रकार के, यानी बना बनाया मकान पे, अगर बने बनाए मकान पे लेते हो तो वो आपके नाम होना चाहिए, कोई नया मकान खरीदते हो तो उसके लिए भी वो आपके नाम होना चाहिए, आपके अगर माता पिता के नाम है तो उनका भी 3 साल का इनकम टैक्स लगेगा। होम लोन के लिए आपको कम से कम 3 साल की सर्विस है, क्योंकि आपके पास में 3 इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल होनी चाहिए, 16 नंबर जिसको बोलते हैं, फोर्स के मेम्बरों को 16 नंबर फॉर्म मिलता है, उसमें आपकी जो इनकम टैक्स की जो डिटेल होती है दोस्तों, वो डिटेल लिखी हुई रहती है, तो वो डिटेल आपको हर साल में जैसे 19-20 की 20 में मिलेगी, फिर 20-21 की 21 में मिलेगी, ऐसे करके आपको 3 साल की वो फाइल लगती है। होम लोन के लिए कम से कम वो 3 साल की होनी चाहिए, लेकिन आप पर्सनल लोन आप ले सकते हो, 2 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट होते हैं, उससे पहले भी ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है तो उससे पहले भी ले सकते हो, एक सत्यापन लिख के उससे पहले भी ले सकते हो, जरूर नहीं कि 2 साल, लेकिन हाँ 2 साल के बाद में आपको कुछ भी लिखे बिना लिखे, मतलब आप पर्सनल लोन का जो फॉर्म होता है भरना, और आपको 4 घंटे के अंदर अंदर लोन, जैसे अभी इतनी फास्ट सर्विस है लोन की, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, और 10% आपकी ब्याज दर है, उस समय फिर क्या रहेगी वो तो आपके जिस समय रहेगा उस समय की बात होगी। तो लोन का भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई तो कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं लोन में, तो लोन के बेनिफिट समझ में आ गए होंगे आपको कि पर्सनल लोन तो आप 2 साल बाद ही ले सकते हो, होम लोन के लिए कम से कम आपकी 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, साथ में वो मकान वकान सब आपके नाम होना चाहिए, आपके माता पिता के नाम है तो उनकी इनकम टैक्स फाइल भी लगेगी, जो बहुत लोगों के पास नहीं है, इसलिए अगर अब साथ में अगर हम बात करें दोस्तों ट्रेन की, तो ट्रेन में आपको पता है CAPF, आर्मी, इन सभी में अगर आप किसी में भी सर्विस कर रहे हो या लगने की इच्छा है, तो आपको ट्रेन के बेनिफिट बता दूं। पहली बात तो ये कि ट्रेन में आपको अलग से वारंट तो मिलते ही मिलते हैं, इसके अलावा अगर मान लो आप किसी इमरजेंसी केस की वजह से छुट्टी जा रहे हो, आपका रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो अपने डिपार्टमेंट से एक फॉर्म आता है, वो लिखा के वहाँ जमा कराना होता है, उससे आपका वेटिंग लिस्ट में मतलब सबसे टॉप पर आ जाएगा आपका, आपको पहले दी जाएगी सीट, ऐसा भी प्रावधान है दोस्तों। अब मान लो आपने आज ही कोई इमरजेंसी होगी, आज ही आपको ट्रेन से छुट्टी निकलना है, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, आपका रिजर्वेशन नहीं होने वाला, तो आप अपने डिपार्टमेंट से जो मेन ऑफिस होता है उसे लिखवा के, एक होता है कलम, वो लिखवा के वहाँ जमा कराने से आपका कंफर्म टिकट हो जाता है, 90% चांस रहते हैं दोस्तों। तो ये ट्रेन में बेनिफिट आपको मिल जाता है दोस्तों, कि आपको इमरजेंसी टाइम में भी आपको रिजर्वेशन मिल जाता है दोस्तों। अब बात करें फ्लाइट में, तो फ्लाइट की बात करते दोस्तों, फ्लाइट में आपको आर्मर्ड कोटे से फ्लाइट आप जब बुक करो, कभी अगर आपने नहीं किया तो आप देख लेना, जैसे इंडिगो की वेबसाइट है उस पर जाना, ओरिजिनल वेबसाइट पे गूगल करके इंडिगो वेबसाइट जाना, उधर फ्लाइट बुक करने का ऑप्शन है, नीचे एक ऑप्शन आता है आर्मर्ड, आर्मर्ड फोर्सेस, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका टिकट दूसरे टिकटों के बजाय 20% से 30% के बीच में पैसे कम हो जाते हैं, जैसे अगर 4,000 रुपये का टिकट है आपको 3,300 रुपये के आसपास हो जाता है दोस्तों। तो ये हो जाते हैं फ्लाइट, मतलब फ्लाइट में बेनिफिट आपको ये मिल जाता है दोस्तों। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो मैंने आपको बताए, ये केवल CAPF और आर्मर्ड फोर्स के लिए, और साथ ही आर्मी हो चाहे CRPF हो चाहे BSF हो, इन सभी फोर्स में ये सब सेम होते हैं दोस्तों। बैंक लोन का आपका जो डाउट था टोल टैक्स का, वो मैंने क्लियर कर दिया, और आप किस पे वीडियो चाहते हो बता दीजिए मुझे, तो उस पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। जय हिंद।